हेलो दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड 10-12 के बच्चों के लिए तीन बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। दोस्तों फाइनली हमारी जीत हो गई है दोस्तों, बेस्ड ऑफ द टर्म्स को लेकर जो सबसे पहली अपडेट जो आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी अच्छी खबर है दोस्तों। और साथ ही साथ रिजल्ट पर भी यहां पर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ गई है जो आज की इस वीडियो में सेकेंड अपडेट में आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको थर्ड अपडेट भी बताने वाला हूं दोस्तों। थर्ड अपडेट जो है आपके 11th में परसेंटेज क्राइटेरिया को लेकर है कि कितने परसेंट पर आपको गवर्नमेंट स्कूलों में एडमिशन मिल जाएगा, तो इसको लेकर भी यहां पर फाइनली बहुत ही बड़ी अच्छी खबर दे दी गई है। तो तीन बहुत ही बड़ी अपडेट है दोस्तों, एक भी सेकंड जो है इस वीडियो का बिल्कुल मिस मत करिएगा। हर एक पार्ट जो है इस वीडियो का आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो जल्दी से हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। आप लोग की डिमांड है कि बेस्ड ऑफ अदर टर्म्स को लागू किया जाए दोस्तों। फाइनली हमारी यहां पर एक और सबसे बड़ी जीत हो गई है। कल ट्विटर पर मेगा कैंपेन को चलाया जा रहा था, मैंने भी कई सारे ट्वीट दोस्तों आप लोग के लिए किए, वो सारे ट्वीट जो है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आपसे भी मैंने कहा था कि आप लोग जो है एटलीस्ट दो ट्वीट जरूर करिएगा। तो दोस्तों आप लोग ने बढ़ चढ़कर ट्वीट किया और इसका एक बेस्ट रिजल्ट आपको यहां पे देखने को मिला कि कल पूरे इंडिया में जो है सीबीएसई गिव बेस्ड ऑफ अदर टर्म्स जो है आपका ये वाला हैशटैग जो है ट्रेंड करने लग गया दोस्तों। इससे जो है हमारी एक बार फिर से जीत हो गई है। सीबीएसई बोर्ड को यह फिर से यहां पर एक सबसे बड़ा मैसेज गया है कि सीबीएसई बोर्ड बिल्कुल भी इन बच्चों को इग्नोर नहीं कर सकती है। बच्चों का संख्या जो है एक दो नहीं बल्कि यहां पर हजारों में लाखों में संख्या है जो चाहते हैं कि बेस्ड ऑफ अदर टर्म्स को लागू किया जाए। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए ऑलवेज जो खड़े हैं हिमांशु बोरा सर, ये भी जो है आप लोगों के सपोर्ट्स में इन्होंने भी कई सारे ट्वीट्स किए दोस्तों। और साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड से इन्होंने सवाल किया, इन्होंने सीबीएसई बोर्ड से कहा कि सीबीएसई बोर्ड ने जो बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट किया इससे बच्चों का काफी ज्यादा लॉस हुआ है। तो ऐसे में सीबीएसई बोर्ड जो है इन 10-12 के बच्चों की बातों को सुने और बेस्ड ऑफ अदर टर्म्स को लागू किया जाए। तो दोस्तों आप लोग जो है नीचे जरूर से जरूर कमेंट करके बताइएगा, बेस्ड ऑफ अदर टर्म्स को लेकर नीचे कमेंट करिए, क्योंकि अब आपके कुछ ही दिनों में मीटिंग को लेकर यहां पे मीडिया ने कंफर्म कर दिया है, कुछ ही दिनों बाद आपकी मीटिंग होने वाली है जिसमें बात करें तो 1 से 2 दिन बाद जो है कहा जा रहा है कि सीबीएसई बोर्ड मीटिंग को कंडक्ट करेगी क्योंकि रिजल्ट सीबीएसई बोर्ड को जल्दी देना है। तो दोस्तों दूसरी अपडेट भी यहां पे आप लोग देख लीजिए, 10-12 के बच्चों के लिए यहां पर अपडेट निकल के सामने आ रही है आपके रिजल्ट को लेकर। बोर्ड की तरफ से जो है एक अल्टरनेटिव ऑप्शन भी आपके सामने शेयर किया गया है। जैसे कि आपको यह मालूम होना चाहिए कि 10-12 के बच्चों का जो रिजल्ट है सीबीएसई बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंस करेगी। इसके अलावा वो कौन कौन से ऑप्शन होने वाले हैं, कौन कौन से वो अल्टरनेटिव ऑप्शन है जो आपको मालूम होना चाहिए, ये बोर्ड जो है गेली बार बार जो है अब ये शेयर करना शुरू कर चुकी है। और ऐसा बोर्ड जो है इजवली तब करती है जब रिजल्ट आना होता है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का जो है रिजल्ट इस बार कंप्लीटली ऑनलाइन ही आएगा, वेबसाइट पर ही आएगा। तो बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से अल्टरनेटिव ऑप्शन है जिसके माध्यम से वो अपना रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। पहला ऑप्शन सीबीएसई बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट, सीबीएसई बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, रिजल्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करिए और वहां से अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होगा तो वहां पर सीबीएसई बोर्ड एक लिंक को एक्टिवेट कर देगी। दूसरा ऑप्शन cbserizult.nic पे डायरेक्ट आप लोग क्लिक करिए और यहां से आप लोग जो है डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएंगे आप लोग सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट वाले वेबसाइट से, वहां से भी आप अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। तीसरा तरीका जो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से बताया गया, ये तो ऑफिशियल है जिसके माध्यम से आप अपना रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप डिजी लॉकर के माध्यम, चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, बोर्ड हो या जेई नीट, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को क्लियर करिए किसी भी समय इन जस्ट 3 स्टेप्स। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके फिलो ऐप को इंस्टॉल करना होगा, मोबाइल नंबर से साइन अप करना होगा, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है उस क्वेश्चंस की फोटो खींचकर या फिर टाइप करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के जस्ट 60 सेकंड के अंदर फिलो आपको कनेक्ट कर देगा इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। तो प्यारे बच्चों जाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहां से अपने डाउट को आउट कीजिए, चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ चौथा तरीका जो है आप लोग के लिए कौन सा है, तो उमंग एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पर जाएंगे तो उमंग एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, तो इसको भी इंस्टॉल करके रख लीजिएगा क्योंकि इसके माध्यम से भी जो है आप अपने रिजल्ट को फटाफट इजिली चेक कर सकते हैं। और डिजी लॉकर तो हर एक बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिजी लॉकर से आप अपने डिजिटल डॉक्यूमेंट जो है तुरंत के तुरंत ले सकेंगे। तो दोस्तों अब बात करें थर्ड और आखिरी अपडेट की, तो थर्ड और आखिरी अपडेट आप लोग के लिए है दोस्तों। काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि गवर्नमेंट स्कूल का क्राइटेरिया क्या है, कितने नंबर लाने होंगे हमें 11th में साइंस कॉमर्स मैथ, यानी कि साइंस विद मैथ, कॉमर्स विद मैथ, विदाउट मैथ, आर्ट्स लेने के लिए। साथ ही साथ अगर हमारे नंबर कम हो जाते हैं तो हमें क्या 11th में एडमिशन मिल पाएगा, तो ये सारी चीजें यहां पर क्लियर की गई है। अगेनली यहां पर देख सकते हैं दोस्तों आप लोग के लिए क्राइटेरिया क्या है, आप लोग के स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर। तो अगर
अगर आप जो है साइंस विथ मैथ अगर आपने डिसाइड किया है तो आपकी टेंथ में जो है 55% मार्क्स होना चाहिए, जिसमें इंग्लिश में आपके 50 होना चाहिए 100 में से, मैथ में जो है आपके 50% होने चाहिए 100 में से, साइंस में से जो है आपके होनी चाहिए 50%, यानी 50 नंबर जो है आपके साइंस मैथ इंग्लिश में होनी चाहिए और टोटल जो है आपके 55% होने चाहिए, तो आपको विथ मैथ साइंस मिल जाएगा। विदाउट मैथ की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको 55% ओवरऑल चाहिए, जिसमें आप लोग इंग्लिश में 50, मैथ में 40 और साथ ही साथ साइंस में भी आपको 50 नंबर चाहिए। कॉमर्स विथ मैथ की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो ये गवर्नमेंट स्कूल का क्रिटेरिया है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं 50% आपको ओवरऑल जो है आपकी टेंथ में परसेंटेज होनी चाहिए, इंग्लिश में 45 नंबर होने चाहिए 100 में से, मैथ में जो है आपके 50 नंबर होने चाहिए 100 में से, SST यानी सोशल साइंस में जो है 45 नंबर होने चाहिए आपके 100 में से। कॉमर्स विदाउट मैथ की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो आपकी टेंथ में ओवरऑल जो है 50% होने चाहिए, जिसमें इंग्लिश और हिंदी ये दो सब्जेक्ट आपके पास हैं, तो इन दोनों में से अगर किसी में भी 100 में से 45 नंबर है तो इसको कंसीडर किया जाएगा। साथ ही साथ जो है SST में आपके जो है 45 नंबर होने चाहिए 100 में से, तो अगर आपके ये नंबर है तो दोस्तों आपको कॉमर्स विद मैथ जो है विदाउट मैथ सॉरी आपको इजीली मिल जाएगा। अब आर्ट्स अगर आपको चाहिए तो आपकी ओवरऑल जो है टेंथ में 45% आपको मार्क्स होना चाहिए, तो आपको आर्ट्स जो है इजीली मिल जाएगा। इसके अलावा जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर अगर हमारी 45 से कम रह जाती है तो क्या हमें आर्ट्स मिल पाएगा, तो जी हाँ दोस्तों आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा CBSE बोर्ड ने हर एक स्कूलों को इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि अगर किसी बच्चे की इन केस 45% से मार्क्स कम रह जाती है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उस बच्चे को कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा, उस बच्चे को जो है अपने स्कूल में एडमिशन मिलेगा, स्कूल उसे मना नहीं कर सकता है, यानी आर्ट्स स्ट्रीम देने से कोई भी स्कूल किसी बच्चे को मना नहीं कर सकता है। अगर आपकी 45% से कम आपकी परसेंटेज रह जाती है टेंथ में तो आपको कॉमर्स और साइंस नहीं मिलेगा, लेकिन आपको आर्ट्स जो है 100% मिल जाएगा, तो ये चीजें यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आप लोग के लिए तीन बड़ी अपडेट, तो आई होप आपके सारे डाउट्स मैंने क्लियर किए होंगे और सारे डाउट्स भी जो है आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है दोस्तों नीचे जरूर से कमेंट करके बताइएगा। CBSE बोर्ड की हर एक अपडेट दोस्तों मैं आपको इसी तरीके से देता रहता हूं, तो अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों टर्म टू के रिजल्ट को लेकर हम लगातार अपडेट पे बने हुए हैं, साथ ही साथ बेस्ट ऑफ अदर टर्म्स को लेकर दोस्तों आप लोग नीचे जरूर से कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप लोग की बातों को CBSE बोर्ड तक पहुंचाना बेहद जरूरी है दोस्तों। आप लोग हर एक स्टूडेंट्स एवरी स्टूडेंट जो है अपनी बातों को CBSE बोर्ड के सामने रखिए, क्योंकि आप लोग जब ट्वीट करते हैं आप लोग जब मैसेज करते हैं तो आपकी बातों से CBSE बोर्ड पे प्रेशर पड़ता है दोस्तों, तो प्रेशर पड़ना बेहद जरूरी है। CBSE बोर्ड को ये पता लगना बेहद जरूरी है कि बच्चे 10-12 के वो ये चाहते हैं कि बेस्ट ऑफ अदर टर्म्स को लागू किया जाना चाहिए। मिलते एक नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।